चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल। रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज द मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हैविंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन इट एज शोन इन फिगर। अब वो कहता है कि जो भी मेटल हमारे पास आता है ना, यानी कि जिससे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि बेसीमर कन्वर्टर से हमें ब्लिस्टर कॉपर मिल रहा था, अब वो ब्लिस्टर कॉपर हम यहाँ पर रिफाइन करते हैं और उसको प्योर करते हैं ताकि हमारे पास 99.99% कॉपर मिल सके, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कोई भी मेटल हो ना, उसको हम रिफाइनिंग करके उसको हम क्या करते हैं, प्योर कर सकते हैं। रिफाइनिंग का मतलब ये है कि उसको इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना, उसको प्योर बनाना, ठीक है। और ये हम किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं 9th और 8th क्लास में, ठीक है। अब इसमें हम उसको ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे और सिर्फ कॉपर के लिए पढ़ेंगे, यानी कि स्पेसिफिक पढ़ेंगे। अब वो कहते हैं कि जब कॉपर की हम करते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। उसने फिगर में ये शो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। अच्छा, टू इलेक्ट्रोड्स, वन ऑफ द इम्प्योर कॉपर मेटल दैट एक्ट्स एज एनोड एंड द अदर प्योर कॉपर मेटल दैट एक्ट्स एज कैथोड आर सस्पेंडेड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब कहता है कि हमारे पास दो क्या होते हैं, वो होते हैं कॉपर के, वो होते हैं कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एनोड, जो कि क्या होता है, इम्प्योर कॉपर होता है बेसिकली, क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर जो हमने निकाला होता है पहले से, वो होता है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा होता है वो क्या होता है, प्योर कॉपर होता है, ठीक है। ये हमने पहले से इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू निकाला होता है, ठीक है। अब डायग्राम पे आ जाए, अब ये हमारा क्या है, ऊपर नेगेटिव है टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने क्या लगाया हुआ है, प्योर कॉपर के थ्रू, ठीक है। और जो इम्प्योर कॉपर है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया, यानी कि वो क्या बन गया, एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनोड है ना, उस पर कॉपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और जो प्योर कॉपर का थोड़ा उस पर क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। और इनको हमने चार्ज दे दिया, अब चार्ज दे दिया, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा कि सर्किट को शुरू कर देगा। हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे कॉपर पे आएंगे, यहाँ से होते हुए एनोड पे चले जाएंगे, फिर वापस पॉजिटिव टर्मिनल से वापस। ऐसे क्या होगा कि जो हमारा इम्प्योर कॉपर होगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, प्योर कॉपर वाली एनोड पे जाता जाएगा, कैथोड पे जाता जाएगा। ऐसे हमारे पास एट द एंड क्या होगा कि प्योर कॉपर जो है ना, उस पर सारा का सारा कॉपर आ जाएगा और जो एनोड है वो थोड़ा सा पतला से रह जाएगा। अब अजीब बात क्या है, अब जब कॉपर यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हुआ ना, तो उसने बीच में जो इम्प्योरिटीज़ थी ना कॉपर के अंदर जो पड़ी, वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। हमें नज़र आती है बकायदा कि ये इम्प्योरिटीज़ हैं, मड है क्या है, स्लैग है क्या है, ये गैन जो भी है वो यहाँ पर बैठ जाती है। इसको हम मड का नाम दे देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, हम इसको ज़्यादा फेंक देते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा क्या वो निकलता है कि जो हमारा एनोड है ना, वो उसकी थिकनेस कम हो जाती है और कैथोड की थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सारा का सारा कॉपर जो है वो कैथोड पे जाके बैठ जाता है, फिर हम इस कैथोड को निकाल के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं कॉपर को, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन एनोड, इम्प्योर कॉपर डिजॉल्व्स टू कॉपर Cu2+ आयन्स टू द सोल्यूशन। दीज Cu2+ आयन्स आर डिस्चार्ज्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, देयर बाय कॉपर एटम्स डिपॉजिट ऑन द कैथोड मेकिंग इट थिक ब्लॉक ऑफ प्योर कॉपर मेटल एज शोन इन फिगर 16.6। अब क्या होता है कि जब हम करंट पास करते हैं, सेम उसने वो इस बार बताई जो मैंने समझाई है कि एनोड के ऊपर क्या होता है, हमारे पास इम्प्योर कॉपर होता है और जो हमारा प्योर कॉपर होता है वो कैथोड पे होता है। तो इम्प्योर कॉपर से जो कॉपर के आयन्स हैं वो निकल निकल के कैथोड पे जाके बैठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली कॉपर के ऊपर Cu2+ चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड का तो नेगेटिव, तो वो उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, कैथोड पॉजिटिव होता है उसके ऊपर पहुंच जाती हैं, सारे इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो जारी बात है सर्किट कंप्लीट करना है उन्होंने। देयर बाय कॉपर एटम्स डिपॉजिट ऑन द कैथोड मेकिंग इट थिक ब्लॉक ऑफ प्योर कॉपर मेटल एज शोन इन फिगर। दीज इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन एज एनोड मड। अब वो कहता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ कहाँ से है, हमारी मिनरल ओर के अंदर से। अच्छा, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व एंड गोज इन टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। साइड बाई साइड प्योर कॉपर आयन्स फ्रॉम द सोल्यूशन डिपॉजिट ऑन द कैथोड, दस कैथोड्स बिकम्स अ प्योर कॉपर मेटल। दीज इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन एज एनोड मड। सेम बात वो तीसरी बार बता रहा है, इस बार उसने क्या कहा है, वो कहता है कि जो कॉपर होता है ना, इम्प्योर कॉपर होता है जो कि एनोड के ऊपर बैठा होता है, वो क्या करता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के पहले अंदर जाता है, क्यों, क्योंकि उसने जारी बात है पहले डिजॉल्व होना है फिर वहाँ एनोड पे जाना है, कैथोड पे जाना है, ठीक है।
अब वो कहता है कि साइड बाय साइड बैठे होते हैं दोनों, यानी कि प्योर कॉपर इम्प्योर कॉपर के आयंस जो है ना वो साइड बाय साइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर होते हैं, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं सारे जो प्योर कॉपर के होते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारा कैथोड प्योर कॉपर बन जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अब ये पूरी फ्लो शीट है कि किससे हमने कॉपर निकाला। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रश्ड ओर, ठीक है, जिसको हम ओर कहते हैं, सिंपल ओर कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर से हम क्या करें, इंप्योरिटीज़ निकाल दी थी हमने शुरू वाले प्रोसेस में। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड ओर बची है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है हमारे पास, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने, रोस्टिंग की, इंप्योरिटीज़ निकल गई, हमारे पास क्या बची, रोस्टेड ओर। रोस्टेड ओर के अंदर क्या दो चीज़ें थी, Cu2S और Fe(S), ठीक है। मेरे ख्याल से जो डॉट उसने लगाया था ना पीछे, गलती से लगा दी थी, ये प्लस का साइन आना चाहिए था पीछे भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टेड से हमारे पास रोस्टेड ओर क्या हो जाती है, स्मेल्टेड ओर बन जाती है, ठीक है। इसको हम किसके अंदर करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर करते हैं, और जिससे हमारी इंप्योरिटीज़ होती हैं वो सारी निकल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिमराइजेशन करते हैं इस स्मेल्टेड ओर की, यानी कि बेसिमर कन्वर्टर के अंदर। तो हमारे पास क्या आता है, ब्लिस्टर कॉपर आता है जो कि 98% प्योर होता है। उसके बाद उसकी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जिससे हमारे पास प्योर कॉपर आता है जो कि 99.9% प्योर होता है, ठीक है। वैसे पाकिस्तान में जो कॉपर बनता है ना वो 99.9% होता है प्योर, और जबकि बाहर के मुल्कों में से जो आता है ना कॉपर जो हम यूज़ करते हैं वो 99.99% प्योर कॉपर होता है। इसीलिए कोशिश करते हैं कि बाहर का कॉपर लोग यूज़ करें, क्योंकि वो फ़र्क होता है क्वालिटी में। उसको कहते हैं भी इम्पोर्टेड कॉपर है, जो लोकल होता है वो 99% होता है प्योर, 99.9% होता है, ठीक है। मतलब क्योंकि ज़ाहिर पता है आगे ज़ीरो है, 9 या 1 2 3 4 नहीं है, ज़ीरो है इसके आगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा मेटलर्जी, इसके बाद अब तो मेटलर्जी हमारी ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हमारा आ गया सॉल्वेंट्स प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस है जो केमिकल इंडस्ट्री में हमने स्टडी करना है। ये हम कल के लेक्चर में शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं, हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें।